दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने Realme C12 में किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे Realme C12 में यानी कि Realme C12 में कॉन्टैक्ट नंबर को, किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को आप हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को, किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को अपने फ़ोन में यानी कि डायलर में कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्कुल हाइड कर पाओगे, बिल्कुल सिंपल और इजीली तरीके से। हेलो नमस्ते, मैं बिमलेश आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बिमलेश स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तक आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में मिल जाना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से आप अपने Realme C12 में किस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर को छुपा सकते हो, किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने वॉल की स्क्रीन के सामने इस तरीके से आ जाना होगा। यहाँ पे ये देखो मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल से जाना है प्ले स्टोर में। आपके फोन में एक एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है गूगल प्ले स्टोर, जैसा कि ये देखो इस तरीके से खोल के आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर सर्च बार में लिखना है हाइड कॉन्टैक्ट नंबर, जैसा कि दोस्तों हमने इस तरीके से लिख दिया हाइड, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एप्लीकेशन ये देखो आ जाएगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन सिक्योर एप्लीकेशन है, कोई फर्जी एप्लीकेशन नहीं है, एकदम अच्छी एप्लीकेशन है, मैं भी इसे कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप यहाँ डाउनलोड नहीं कर पाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पे आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सीधा डाउनलोड कर पाओगे। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को इस तरीके से आपका इंटरफेस नजर आएगा आपके फोन में, या इस एप्लीकेशन को आपको इस तरीके से ओपन करना होगा, जैसे कि मैंने यहां पे इसे ओपन किया। यहां पे दोस्तों कुछ देर के लिए आपको वेट करना होगा, वेट करने का दोस्तों यहां पे थोड़ी बहुत देर के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी 5 सेकंड की, उसे आपको वॉच कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे, वीडियो को कहीं स्किप भी नहीं करेंगे। इस तरीके से ये देखो एडवर्टाइजमेंट आएगी, इसे हमने कट कर दिया। यहां पे आपको एक पासवर्ड यानी कि पिन बना लेना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पिन इस तरीके से बना लिया, ठीक है। इस तरीके से वही पिन आपको कंफर्म कर देना होगा। यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्लेमर दिया गया है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, बस इन्हें आपको एस कर देना है। एस करने से यहाँ कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे यहीं छोड़ना है और उसे मिनिमाइज करना है, बीच वाला बटन दबा के बाहर निकलाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे अपने फोन के डायलर में जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखना है आप किस नंबर को हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, किस नंबर को छुपाना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कोई ना कोई एक नंबर देख लें जिसे हम छुपाना चाहते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे और नंबर देख लेते हैं, कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं जो मुझे हाइड करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देखो, ये देखो नंबर यहाँ पर इस तरीके से, जैसे अवकाश के जस्ट नीचे बाबा जी 2, इस तरीके से पे हम टैप किया, इस तरीके से मैंने नंबर ये दिखा दिया आपको, और इसे हम हाइड करेंगे, ठीक है, इस नंबर को हम हाइड करेंगे। तो किस तरीके से हाइड करेंगे, इसे हम इस तरीके से मिनिमाइज करते हैं और उसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट पर इस तरीके से, या कॉन्टैक्ट लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपको एक्सेस करना है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, जैसे कि अलाउ करके, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर 5 सेकंड का इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आएगा, यहाँ पे आपको इसे स्किप करना है राइट हैंड कोने पे क्लिक करके, इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पे प्लीज वेट के लिए लोडिंग कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट जनरेटेड होगी, लोडिंग होगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ना बैग वगैरह कोई भी की नहीं दबानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोल सकता है, बस यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत देर के लिए वेट करना होगा, जैसे कि मैंने कर लिया। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाओगे, जो आप कॉन्टैक्ट नंबर करना चाहते हो या कोई XYZ, ये नहीं कि आप मैंने जो बताया वही आप इस तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इसलिए। अब दोस्तों बाबाजी 2 यहाँ पे लिखा है, इस पर हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो सामने जस्ट क्लिक किया और राइट हैंड साइड पे कोने पे इस तरीके से डन करके यस कर दिया। अब ये इस तरीके से कॉन्टैक्ट सिक्योर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो इस तरीके से, ये देखो हो चुका है आपका हाइड, छुप चुका है। अब ये कैसे पता चलेगा हाइड है, तो दोस्तों आपको फिर से अपने डायलर में जाना है, जैसे देखो डायलर में मैं चला गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवकाश के जस्ट नीचे बाबा का चाचा, यहाँ पर इस तरीके से ये नंबर है और यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट हाइड हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ सिक्योर लिखा है, यहाँ पर फिर से टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आप अनहाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से
क्लिक करके इस तरीके से मैंने यहाँ पे अनहाइड भी कर दिया, देखो इस तरीके से। और ये कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर भी आपको आप दिखने लगेगा, जैसा कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ देर में यहाँ पे ये देखो, अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं तो आप देख पाएंगे। अभी देखो ये देखो नंबर शो होने लगा है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो बाबा जी टू, इस तरीके से। दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी अपने रियलमी सी 12 में, सिंपल से आप किसी भी नंबर को हाइड कर पाए होंगे बिल्कुल ईजिली तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना होगा। तो मिलता हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।